जन्मदिन है, मैं उनको इस जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान उनको उन्नति दे, तरक्की दे और वो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। क्या गिफ्ट दिया आज आपने? आशीर्वाद देते हैं और भी बहुत सारी गिफ्ट होते हैं और गिफ्ट जो है कभी बताया नहीं जाता कि एक्चुअली देना क्या है। बहुत दिनों से आप दिखाई दे रहे थे मीडिया में, कहाँ थे आज? ऐसा है कि आप लोग तो ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा मैं कुछ नए स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा बिजी था और चूँकि प्रदीप भैया से अच्छे रिलेशन हैं, उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया और मैं सिंस मुंबई में था, ट्रैवलिंग काफ़ी कर रहा हूँ, तो मैं आ गया उनको शुभकामनाएं देने के लिए, मना नहीं किया जा सकता। 2017 कुछ खास होने वाला है हमने सुना आपके लिए। यस, 2017 बहुत खास है क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे भोजपुरी के लिए, क्योंकि मैं ऐसी फिल्में बनाने जा रहा हूँ जो हमारी मिट्टी से, हमारी जन्मभूमि से, या जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वहाँ से रिलेटेड है और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। फिल्म आपको अच्छी फिल्में देखने मिलेगी और मैंने इस साल 5 फिल्में बनाने का निर्णय किया है, मैंने अनाउंस भी किया है और बहुत जल्द ही वो फ्लोर पे सारी जा रही हैं। तो 5 में से एक फिल्म नेशनल अवार्ड जीत पाएगी आने वाले दिनों? डेफिनेटली इस बार मैं कह सकता हूँ कि मैं जो भी मेरी फिल्म आ रही है उसमें से मैं 2 तो ज़रूर नेशनल अवार्ड के लिए भेजूंगा, बाकी ज्यूरी देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।